आज हम क्लास 10th ICSE बोर्ड का चैप्टर 1 है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे स्टार्ट करेंगे। किसी भी बुक से आप पढ़िए, यहाँ पर थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जो कॉन्सेप्ट है कि GST निकलता कैसे है, अगर आप ये जान गए, किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये GST है जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगती है। गुड्स में जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन सब में जो GST इंक्लूड होती है। अब देखिए, ये जो हमारा टैक्स है गुड्स और सर्विसेज टैक्स, ये मल्टी स्टेज पर लगता है। जैसे कोई भी आइटम है, कोई भी चीज है, ये किसी भी चीज को बनाना है, मान लीजिए किसी क्लोथ को बनाना है, मान लीजिए साड़ी बनाना है, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा। पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद कंपनी उसको क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा होलसेलर के पास। किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद रिटेलर के पास आएगा। और रिटेलर के बाद ये जाएगा कंज्यूमर के पास। देखिए, यहाँ पर है रॉ मटेरियल, उसको क्या किया गया, मैन्युफैक्चर कंपनी ने की। फिर उसको जब वो बन गया वो सामान, उसको होलसेलर ले गए, और होलसेलर क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी जो भी दुकानें हैं उनको दे रहे हैं, और फिर दुकानों से कंज्यूमर और कस्टमर तक पहुंचता है। अब देखिए, ये जो GST है, ये गवर्नमेंट, GST कौन लेता है, गवर्नमेंट लेगी। अब ये GST हर एक स्टेज पर ले जाती है। ये GST, ये मल्टी स्टेजेस हैं किसी भी चीज़ को बनने के लिए। कोई रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चर किया गया, फिर मैन्युफैक्चरर के पास आई, फिर वो होलसेलर के पास, फिर रिटेलर से फाइनल स्टेज पहुंचता है कंज्यूमर्स के पास। ये यहाँ पर कंज्यूमर हमारा हो गया लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज हो गया। अब देखिए, जो GST है वो हर एक ईच स्टेज पर लगती है। हर एक स्टेज पर GST लगेगी, यानी यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह GST लगेगी। ये समझ में आया। और GST गवर्नमेंट फिक्स्ड करती है कि इस सामान के लिए इतना परसेंट, इस सामान के लिए इतना परसेंट GST देना है। अब देखिए, यहाँ पर GST 2 टाइप्स के होते हैं। डेस्टिनेशन पर बेस्ड हैं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड हैं, पहला है इंट्रा स्टेट सेल्स और दूसरा है इंटर स्टेट सेल्स। यहाँ पर डेस्टिनेशन पर बेस्ड है ये। इंट्रा स्टेट सेल, 2 टाइप्स के सेल हो गए, इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल। अब देखिए, इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है विद इन स्टेट। मतलब जैसे कोई भी चीज हम एक ही स्टेट पर सेल कर रहे हैं। जैसे हम लखनऊ में हैं और हम कानपुर पर उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये विद इन स्टेट होगा। एक ही स्टेट पे, ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, यानी विद इन स्टेट जो सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल्स क्या है, जो विद इन स्टेट हो, यानी स्टेट के अंदर ही सेल्स हो रहा हो। जैसे
हमने प्रोड्यूस किया और उसको हमने सेल कर दिया एक अपने ही स्टेट पर, यानी विद इन अ स्टेट, तो वो हो जाएगा इंट्रास्टेट सेल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वली डिवाइड होता है। जो हमारे जीएसटी यहाँ पर अगर विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट किसी भी चीज का सेलिंग हो रहा है विद इन स्टेट, तो यहाँ पर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। और जीएसटी मान लीजिए 10% किसी भी चीज पर 10% जीएसटी लग रहा है, कितना 10%। यहाँ पर एस, एस मतलब स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, और सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट 10% मान लीजिए जीएसटी लग रही है, तो 10% का 5% लेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी 5%। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा टैक्स डिवाइड कर लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा टैक्स कलेक्ट करते हैं। समझ में आया इतना? और ये इंटर स्टेट सेल्स क्या है, ये विद इन स्टेट हो गया, ये स्टेट के बाहर। जैसे हमने कोई चीज को, मान लीजिए हम लखनऊ में हैं और हम इसको बेच रहे हैं कहीं कर्नाटक के किसी स्टेट पे, कर्नाटक की किसी सिटी पे हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कर्नाटक में दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये यूपी का हो गया और ये कर्नाटक में है, तो ये विद इन स्टेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी आईजीएसटी। यहाँ पर क्या होगा, आईजीएसटी, और इंट्रास्टेट सेल्स में एसजीएसटी और सीजीएसटी। एस यानी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट जीएसटी को आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा दोनों कलेक्ट करते हैं। लेकिन इंटर स्टेट सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कलेक्ट करते हैं आधा आधा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों कलेक्ट करती है। और ये ध्यान रखिएगा कि दोनों आधा आधा डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 18% है तो 9% स्टेट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट। आया समझ में? अब देखिए हम जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये आ गया कि जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, जो भी जीएसटी जीएसटी टू बी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, यानी जो भी जीएसटी डीलर पे करता है गवर्नमेंट को, उसको हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। कभी भी जीएसटी निकालना हो हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब ये आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या है, देखिए आउटपुट जीएसटी है, जैसे हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई फर्म है या कोई आदमी है, कोई भी मान लीजिए कोई फर्म है, वो क्या कर रही है, कोई फर्म है और ये फर्म क्या कर रही है, ये फर्म क्या कर रही है, कोई भी आइटम को खरीद रही है। मान लीजिए उसको वो 10,000 में खरीद रही है, कितने में, 10,000 में। कोई फर्म किसी भी आइटम को मान लीजिए वो 10,000 में खरीद रही है, यानी परचेज कर रही है। वो परचेज किस लिए कर रही है, फिर उसी सामान को वो अपने प्रॉफिट से बेच देगा। समझ में आया, जीएसटी ये यहाँ पर मान लीजिए कोई फर्म है, ये फर्म क्या कर रही है, ये फर्म
जो भी सामान है उसको पहले परचेस करती है। तो ये जो हम ये निकालेंगे इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी होता है हमारा यहाँ पर जो भी गुड्स को परचेज किया जाता है रीसेल के लिए, यहाँ पर जो भी चीज़ परचेज की जाती है रीसेल के लिए उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी, उस पर जो जीएसटी लगती है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। जैसे इस फर्म ने क्या किया, परचेस किया, किस लिए परचेस किया, ताकि उसे आगे हम फिर सेल कर पाए। उसने 10,000 में क्या किया, परचेस किया। फिर इस फर्म ने क्या किया, इस फर्म ने 10,000 में मशीन को परचेस किया। फिर इस फर्म ने किसी कंज्यूमर को मान लीजिए 20 या कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 20,000 में इस फर्म ने 10,000 में मशीन ली, और इस मशीन को वो कंज्यूमर को जब रीसेल कर रहा है कितने में, 20,000 में, कितने में रीसेल कर रहा है वो 20,000 में। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस मशीन पर मान लीजिए 10% का जीएसटी लगा हुआ है, उस मशीन पर जीएसटी कितने का लगा है, 10% का, यानी ये फर्म क्या कर रही है, 10% जीएसटी देगी, कितने का, 10,000 का। तो इसकी यहाँ पर टैक्स कितना हो जाएगा, जीएसटी कितना हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा 1,000 रुपीज़। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़। तो 1,000 क्या है, 1,000 हो गए जीएसटी। ये जीएसटी फर्म क्या कर रही है, गवर्नमेंट को देगी। अब देखिए इस फर्म ने क्या किया, कंज्यूमर को उस मशीन जो 10,000 में उसने खरीदा था उसको 20,000 में वो रीसेल कर दिया। अब इस जीएसटी को हम कहेंगे इनपुट जीएसटी, क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी। अब ध्यान से समझिएगा ये इनपुट जीएसटी क्यों कह रहे हैं, इनपुट जीएसटी का मतलब हुआ वो परचेस कर रहा है रीसेल के लिए, उसने परचेस किया, परचेस करने के बाद उसने क्या किया, रीसेल कर दिया, तो जो वो टैक्स आएगा उसको कहेंगे इनपुट जीएसटी। बस आप इनपुट और आउटपुट अगर समझ गए तो जीएसटी निकालना बहुत आसान है। जीएसटी क्या होगा, फॉर्मूला, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आ रहा है समझ में, देखिए ये हो गया इनपुट जीएसटी। अब कंज्यूमर को भी 10% जीएसटी देना है, तो यहाँ पर इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 2,000। 20,000 का 10% यानी 2,000 हो गया। अब ये 2,000 हो गया और ये इनपुट, और इसने क्या किया, सेल किया, तो जो सेल ये हो जाएगा, ये जीएसटी ये हो जाएगा हमारा आउटपुट जीएसटी। क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। ये इनपुट और आउटपुट समझ में आया। इनपुट जीएसटी क्या होता है, जब हम परचेस करते हैं रीसेल के लिए, इस फर्म ने क्या किया, परचेस किया और परचेस करके रीसेल कर दिया। तो ये जो जीएसटी देगा, उस जीएसटी मतलब ये जो जीएसटी रहेगी उसको कहेंगे इनपुट जीएसटी, और जो ये कंज्यूमर से जीएसटी आएगी वो क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। इनपुट और आउटपुट जीएसटी समझ में आया। अब जीएसटी निकालना कैसे है, जीएसटी यहाँ पर आएगी, ये जीएसटी जो फर्म किसको देगी, गवर्नमेंट को, समझ में आ रहा है, ये फर्म गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी देगी, तो ये फॉर्मूला से निकलता है। कैसे फॉर्मूला है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना है, 2,000, और इनपुट जीएसटी कितना है, 1,000। यहां से आ जाएगा 1,000 रुपीज, यानी ये फर्म 1,000 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में दे देगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी इस जीएसटी को, अगर ये विद इन स्टेट है तो इस जीएसटी को क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। जैसे 1,000 है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा 500 और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा 500। आया समझ में, देखिए फर्म ने कोई मशीन ली 10,000 की, मान लीजिए अब फिर समझ में आया, ये नंबर चेंज करके फिर से समझाते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 15,000, इसका जीएसटी हो जाएगा
इसका 10%, क्योंकि 10% जीएसटी ले रहा। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि कितना परसेंट गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है, हर जगह अलग अलग रहेगा, कहीं पर 6, कहीं पर 5, कहीं पर 4, इस तरीके से। तो जीएसटी यहाँ पर 10%, यानी ये हो जाएगा 1500। अब यहाँ पर देखिए, ये इनपुट और ये आउटपुट जीएसटी, ये हो गया। अब जीएसटी कितना पे करेगी ये फर्म, ये फर्म गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगी, ये फर्म गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगी। यहां पर अब ये चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1500 माइनस 1000 यानी 500, कितना 500 जीएसटी टू बी पेड बाय द डीलर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, 500 रुपीज। अब यहां पर देखिए, ये जो फर्म है ये क्या कर रही है, किसी भी मशीन को परचेज कर रही है, किस लिए, ताकि वो आगे कंज्यूमर को दे। अब देखिए यहां पर ये फर्म क्या करती है, ये फर्म करेगी, इतना जीएसटी बन रहा है 10,000 का, कितना जीएसटी बन रहा है 1,000, ये 1,000 क्या करेगी, पे कर देगी। समझिएगा इसको ध्यान से, ये जो 1000 है इसको क्या कर देगी, ये फर्म 1000 गवर्नमेंट को पे कर दी, पे कर दिया। फिर क्या हुआ, इसने 10,000 में लिया था सामान, लेकिन वो कंज्यूमर को कुछ प्रॉफिट में देगा ना, तो ये 15,000 में सेल कर रहा है। अब ये 15,000 का जीएसटी कितना बन रहा है, 1500, कितना बन रहा है 1500। आप समझिएगा, ये यहाँ पर 1500 हो गया, 1500 हो गया। इस फर्म ने 1000 रुपीस ये फर्म दे चुकी गवर्नमेंट को, 1000 दे चुकी, पे कर चुकी, और ये जो आउटपुट जीएसटी है इसको इसने कलेक्ट कर लिया। किससे कलेक्ट किया, कंज्यूमर से, किससे कलेक्ट किया, कंज्यूमर से। ये फर्म इतना गवर्नमेंट को पे कर चुकी और ये कलेक्ट कितना की जीएसटी, 1500, कितना कलेक्ट की, 1500। अब देखिए, ये जो फर्म होगी ये पहले अपना तो दे चुकी, 1000 तो दे चुकी, और जो ये कलेक्ट की है इसको अपने पास नहीं रख सकती, इसको भी वो गवर्नमेंट को दे देगी, लेकिन पूरा नहीं देगी। जैसे 1500 उसने कलेक्ट किया फर्म ने, 1000 तो वो अपना दे चुकी, जितने वो खरीदा उसने तुरंत दे दिया, वो हो गया। फिर जब वो कंज्यूमर से, कंज्यूमर का जो जीएसटी बन रहा है 1500, उस 1500 को वो कलेक्ट कर लिया, उसको पूरा गवर्नमेंट को नहीं देगी, कितना देगी फर्म, ये यहां पर निकल के आया, कितना देगी, 500 रुपीस। क्यों, क्योंकि देखिए 1000 वो दे चुका, 1000 दे चुका, जो एक्स्ट्रा जीएसटी बन रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 500 एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ 1000 जीएसटी, यहाँ 1500, यहाँ 1000, यहाँ 1500, 1000 वो दे चुका, 1000 वो दे चुका। पैसा 15,000 तो लिया ही फर्म ने, साथ में और क्या लिया, 1500 जीएसटी भी ली, 15,000 रुपए भी लिया और 1500 जीएसटी भी ली। तो इस जो 1500 जीएसटी है वो 1500 को क्या करेगा, 1000 कहेगा मैंने तो 1000 दे दिया, अब बचा कितना, 500, तो उस 500 को भी दे देगा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना जीएसटी, आउटपुट माइनस इनपुट, ये आ रहा है क्योंकि 1000 वो दे चुका और 500 उसको अभी देना है। समझ में आया, जो ये आउटपुट जीएसटी है उसको वो अपने पास नहीं रखेगा, इनपुट को वो पे कर देगा, जो आउटपुट जीएसटी है उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये 1000, ये 1500, एक्स्ट्रा कितना है 500 का, जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उसको वो अब गवर्नमेंट को देगा। समझ में आया, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर्स बाय अ ब्रेली टाइपराइटर फॉर 40,000।
एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर फॉर 45,000. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, फाइंड द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट. अब यहां पर जो डीलर है, जो भी डीलर होगा, वो जीएसटी, द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. अगर आपने आउटपुट और इनपुट निकालना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. देखिए क्या करेंगे, पहला यहां पर लिखा हुआ है कोई शॉपकीपर है और कंज्यूमर है, ये हो गया. शॉपकीपर ने 40,000 रुपीज में कोई टाइपराइटर को खरीदा, परचेस किया, और कंज्यूमर को कितने में बेचा, 45,000 में. कितने में बेचा, 45,000 में. शॉपकीपर ने 40,000 में टाइपराइटर को खरीदा, परचेस किया, और कंज्यूमर को 45,000 में सेल कर रहा है, ये हो गया. जीएसटी कितना लगा रही है गवर्नमेंट, 5%. यहाँ पर जब हमें दिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग निकालने का, तब हम अलग अलग निकालेंगे, नहीं तो हम सिर्फ जीएसटी निकाल लेंगे उसमें. यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, जीएसटी गवर्नमेंट का चाहिए तो गवर्नमेंट का पूरा जीएसटी हम निकाल लेंगे. अगर वहाँ पर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तब हम अलग अलग निकालेंगे. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का, यानी हम पूरा जीएसटी यहाँ पर लिखेंगे. कितना जीएसटी लग रहा है, 5%. यहाँ पर लगेगा 5%. बहुत सिंपल है, जो भी दोनों का सेलिंग प्राइस है ना उसको लिख लेना है, मतलब जितने में दोनों ने खरीदा उसे लिखना है. शॉपकीपर ने 40,000 में और कंज्यूमर में कितना खरीदा, कितने रुपीज़ का, 45,000 रुपीज़ का, वो हमने लिख लिया. फिर लिखने के बाद क्या करना है, दोनों का टैक्स लिखते हैं कितना है, जीएसटी कितना लग रहा है, 5%. अब इसको जीएसटी हम निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे. 40,000 का 500, तो 40,000 इंटू 500 क्या आ जाएगा, 0000 कैंसिल, और यहाँ से 2,000 कितना जीएसटी आ गया, 2,000 यहाँ से निकालते हैं. 45,000 इंटू 5 अपॉन 100, ये हो गया, ये हो जाएगा 0, 5 5 जो 25, 2 4 5 जो 20, 22, ये हो गया. यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर का जो जीएसटी होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस सामान को परचेस करके रीसेल कर रहा है. जो भी परचेस करके रीसेल करे उसके जीएसटी को हम कहेंगे इनपुट जीएसटी. ये हो गया इनपुट जीएसटी, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, 2000 जीएसटी दे रहा है, यानी पे कर रहा है, और 2250 रुपीस कलेक्ट कर रहा है. समझ में आ रहा है. अब यहां से जीएसटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टू यहां हो जाएगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. आउटपुट जीएसटी कितना है, 2250 माइनस 2000, ये हो गया, माइनस करेंगे आ जाएगा 250, ये हो गया हमारा आंसर. समझ में आया, शॉपकीपर ने क्या किया, 2000 रुपीस गवर्नमेंट को दे दिया, इसने पे कर दिया, और ये कलेक्ट कितना कर रहा है कंज्यूमर से, 2250 का. तो 2000 तो ये पहले दे चुका, जैसे खरीदा उसी में ऐड था पैसा, जो ये खरीदा उसी में ऐड था पैसा. तो यहाँ पर ये पहले क्या किया, पे कर चुका अपना जीएसटी. उसके बाद जो ये कलेक्ट किया है, ये जो कलेक्ट किया है इसको ये अपने पास नहीं रखेगा,
जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे गवर्नमेंट को दे देगा। 2000 इसने क्या किया, टैक्स पे कर चुका और कलेक्ट कर रहा है 2250। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 250, यानी 250 अब उसको फिर से गवर्नमेंट को देना है, तो 250 वो उठा करके गवर्नमेंट को दे देगा। इसका फॉर्मूला से देखें तो क्या होता है फॉर्मूला, आउटपुट माइनस इनपुट, और आउटपुट ये है, दोनों को माइनस करेंगे 250 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ए डीलर बायस आलमंड्स फॉर 750 एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डिपॉजिटेड बाय हिम विद द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट और आउटपुट निकालेंगे, फिर फॉर्मूला हमें पता है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डीलर, ये है डीलर, ये डीलर क्या कर रहा है, कंज्यूमर को फिर से सेल कर दे रहा है। ये डीलर ले कितने में रहा है, 750 में बाय कर रहा है, 750 में, और ये कंज्यूमर को कितने में दे रहा है, कंज्यूमर को कितने में दे रहा है, 20% के प्रॉफिट में। समझ में आ रहा है, ये 750 है, ये 750 में उसने परचेज किया, और अब ये क्या कर रहा है डीलर, कंज्यूमर को 20% के प्रॉफिट में दे रहा है, 20% के प्रॉफिट में, यानी 750 है इसका 20% क्या हो जाएगा, 750 इंटू 20/100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5 2 10, 7 2 14 और ये 150, यानी 750 प्लस 150 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 750 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 09, कितना हो जाएगा, 900, ये हो गया। समझ में आया, डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को 900 में सेल कर दिया, कितने का प्रॉफिट लिया, 20% का, 20% मतलब 150 रुपीस का प्रॉफिट लिया, ये हो गया। अब देखिए जीएसटी कितना लग रहा है, 12%, यहाँ पर 12% जीएसटी, यहाँ पर भी 12% जीएसटी, अब 750 का 12% जीएसटी कितना होगा, 900 का 12% जीएसटी कितना होगा, कैलकुलेट करें, ये जीरो कैंसिल, 5 2 times 5 1 6 5 6 7 5 5 जा 25 2 6 times 5 6 5 15 6 जा क्या हो जाएगा, 90, यहाँ पर 90 आ गया, ये जीरो दो जीरो, यहाँ पर भी दो जीरो, यहाँ हो जाएगा 108, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा डीलर का जीएसटी, यानी इनपुट जीएसटी क्या आ रहा है, इनपुट जीएसटी आ रहा है 90, आउटपुट जीएसटी कितना आ रहा है, 108, आउटपुट जीएसटी कितना आ रहा है, 108। अब हमें फॉर्मूला पता है तो जीएसटी कितना देगा, ये डीलर कितना जीएसटी देगा, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है 108 और इनपुट कितना है 90, ये हो गया, ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो गया 1। अब देखिए 18 रुपीज जीएसटी डीलर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए जीएसटी टोटल कितना हुआ, 18 रुपीज़ का, जीएसटी कितना हुआ 18 रुपीज़ का, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करेंगी, आधा आधा डिवाइड कर लेंगी। समझ में आया,
जब विदिन अ स्टेट होता है तब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आधा आधा टैक्स डिवाइड कर लेते हैं। 18 रुपीस का टैक्स हुआ, 18 रुपीस का क्या करेंगे, आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कितना आ जाएगा GST, इसका आधा कर लीजिए यानी 9 और इसको भी 9, दोनों को सेम सेम, यानी यहाँ पर ये 9 और ये 9, CGST और SGST दोनों को 99 रुपीस GST मिला। समझ में आया, नोट कर लीजिए। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।